दोस्तों स्वागत है आपका क्वांटम फिजिक्स के एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आपको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ फिजिक्स के बारे में बताया था और उस वीडियो में हमने बिल्डिंग पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स यानी कि फर्मियोन्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए हमें इसके बेसिक्स की जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। एनीवे, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मॉडल के दूसरे पार्टिकल यानी बोसोन्स के बारे में जानेंगे, जो कि फोर्सेस के कैरियर्स माने जाते हैं। इसीलिए बोसोन साइंटिस्ट के बीच में हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहे हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बोसोन पार्टिकल्स के बारे में जानने से पहले फर्मियोन्स के बारे में संक्षिप्त में समझ लेते हैं। फर्मियोन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर या एंटी मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस दुनिया में जितना भी मैटर या एंटी मैटर मौजूद है वो सारा इन फर्मियोन पार्टिकल्स से ही बना हुआ है। साथ ही साथ इनमें एक खासियत भी होती है, ये कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकते, यानी कि एक ही स्थान पर एक से अधिक फर्मियोन्स नहीं हो सकते। हो सकता है अब आप ये सोच रहे हो कि अगर इस यूनिवर्स के सारे मैटर को फर्मियोन्स ही बनाते हैं तो फिर बोसोन पार्टिकल्स का इस यूनिवर्स में होना तो कोई मतलब ही नहीं बनाता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में जितना महत्व मैटर का है उतना ही फोर्सेस का भी है। फोर्सेस की गैर मौजूदगी में कभी मैटर का निर्माण हो ही नहीं पाता, और यहीं पर आते हैं फोर्स यानी बल के संचालक यानी कि बोसोन पार्टिकल्स। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं बोसोन पार्टिकल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बोसोन पार्टिकल्स फोर्सेस के कैरियर्स माने जाते हैं, और इनके कारण ही फिजिक्स की चार फंडामेंटल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अस्तित्व में आ पाते हैं। बोसोन पार्टिकल्स की भी एक खासियत होती है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं, यानी कि एक ही स्थान पर एक से अधिक बोसोन पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। इस ब्रह्मांड में पांच प्रकार के बोसोन पार्टिकल्स माने जाते हैं, फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, ग्रेविटॉन्स, एचजेड बोसोन्स और हिग्स बोसोन्स। खैर, हिग्स बोसोन्स बाकी बोसोन से हटकर होते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के फोर्स के कैरियर के रूप में काम नहीं करते हैं। अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि मैटर को मास प्रदान करने वाली हिग्स फील्ड में आई डिस्टर्बेंस से ही हिग्स बोसोन बनते हैं। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं फोर्स कैरिंग बोसोन्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस ब्रह्मांड में चार फंडामेंटल फोर्सेस मौजूद हैं, और इसीलिए चारों फंडामेंटल फोर्सेस के खुद के बोसोन पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि उस फोर्स के कैरियर का काम करते हैं। तो आइए अब बारी बारी से इन अलग अलग फोर्सेस के बोसोन्स के बारे में जानते हैं। हर एक फोर्स का उसका खुद का बोसोन पार्टिकल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ग्लूऑन, वीक न्यूक्लियर फोर्स का एचजेड बोसोन। पर अफसोस, अभी तक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के कोई भी बोसोन का प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेटिकल बोसोन का नाम ग्रेविटॉन रखा है। आशा करते हैं कि अब आप लोग बोसोन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, और फर्मियोन पार्टिकल्स के बारे में जानने के लिए आप हमारा पिछला वाला वीडियो ऊपर आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम फिजिक्स के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।